और अब वो खबरें जो आपकी नजर से बिल्कुल नहीं चूकनी चाहिए। सेवेरोडोनेट्स में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ी, इस वक्त की बड़ी खबर। जेलेंस्की ने कहा इलाके में सबसे कठिन दौर। एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूसी हमले में लुहांस में भारी तबाही, ये वहां के मेयर ने कहा है। 70 स्कूल, 33 हॉस्पिटल, 237 क्लिनिक तबाह हो गए। कीव में करीब 50 दूतावासों में फिर से कामकाज शुरू हुआ है, बड़ी खबर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी दूतावासों के खुलने की जानकारी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से करीब 70 लाख रेफ्यूजी अब तक पहुंचे यूरोप। यू बॉर्डर एजेंसी की रिपोर्ट से हुआ यह खुलासा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की ओर ज्यादा आर्थिक और सैन्य मदद करेगा स्वीडन। स्वीडन के डिफेंस और वित्त मंत्री ने दी जानकारी। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेनी फोर्सेस की हिमार्स चलाने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सीनियर अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल ने दी जानकारी। और एक और बड़ी खबर यह है कि ईयू पार्लियामेंट में रूसी कंपनियों के प्रतिनिधि बैन कर दिए गए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट ने दी जानकारी। बड़ी खबर, प्रतिबंधों की वजह से ध्वस्त हो रही है रूसी अर्थव्यवस्था, जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर ने दावा किया है। और खबर आ रही है कि रूस की पैसिफिक फ्लीट ने शुरू की जबरदस्त एक्सरसाइज। रूस की नेवल एक्सरसाइज में 40 वॉरशिप और 20 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं हिस्सा। बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर हमले की बड़ी तैयारी, रूस ने बेलारूस को दिए अत्याधुनिक हथियार। और इसी के साथ ये सारी खबरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, चार चार के ब्लॉक्स में इसको लेंगे। पहली बड़ी खबर, सेवेरोडोनेट्स में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ी। जो जानकारी है वो ये है कि वहां पर जबरदस्त तबाही हो रही है, जेलेंस्की ने कहा। यहां पर अगर लुहांस की बात की जाए, 70 स्कूल, 33 हॉस्पिटल, 237 क्लिनिक जो है वो तबाह कर दिए हैं रशियन बॉम्बिंग में, वहां के मेयर ने कहा। कीव में करीब 50 दूतावासों ने फिर से कामकाज शुरू कर दिया है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। और बकायदा अमेरिका के एंबेसडर ने वहां पर जाकर आज कल जेलेंस्की से मुलाकात की है। इंफॉर्मेशन ये, यूक्रेन से करीब 70 लाख रेफ्यूजी अब तक पहुंचे हैं यूरोप। 70 लाख, 70 लाख। स्वीडन के डिफेंस और वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि और ज्यादा फाइनेंशियल और मिलिट्री एड पहुंचाएंगे यूक्रेन को। इसी के साथ यूक्रेन फोर्सेस की हिमार चलाने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, 3 हफ्ते का वक्त लगेगा, यह बकायदा पेंटागन की तरफ से कहा गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर के प्रेसिडेंट ने दी जानकारी। यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई भी रशियन कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और यहां पर प्रतिबंधों की वजह से रशियन इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा। बड़ी खबर यह है कि रशिया ने पैसिफिक नेवल एक्सरसाइज शुरू की, 40 वॉरशिप उसमें शामिल है और अलग अलग फ्रिगेट्स उसमें मौजूद हैं। बेलारूस की जमीन पर जमीन से यूक्रेन को अटैक करने की तैयारी, बेलारूस को कई हथियार दिए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।